देश में अगर आपको केंद्र की राजनीति करनी है तो आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से होकर गुजरना ही होगा, क्योंकि भारत देश में उत्तर प्रदेश की राजनीति ही धुरी मानी जाती है। उसी तरह अगर आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है तो यहाँ के जातीय समीकरण और चुनावी दाव पेच का भी सहारा लेना होगा। सिद्धार्थनगर में आगामी विधानसभा 2022 का चुनावी समीकरण कुछ इस तरीके से दिख सकता है। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में 5 विधानसभा हैं: कपिलवस्तु सदर, शोहरतगढ़, बांसी, इटवा, डुमरियागंज। अगर हम बात करें सिद्धार्थनगर सदर की, यहां विधानसभा का कुल मत 4,20,708 है। हम ये भी कह सकते हैं जो भी विधानसभा है वो 3 जातियों पर निर्भर करती है, पिछड़ा, मुस्लिम और दलित। कपिलवस्तु विधानसभा पर पिछड़ों का मत लगभग 1,17,000 के आसपास है, मुस्लिम का लगभग मत 88,000 के आसपास है, दलित का लगभग मत 75,000 के आसपास है। अगर हम बात करें कपिलवस्तु विधानसभा 2012 के चुनाव की तो यहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। 2012 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से विजय पासवान की जीत हुई थी। आपको बता दें विजय पासवान अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पारिवारिक कलह के चलते सरकार के खिलाफ जो विरोधी लहर चली उसी की वजह से कपिलवस्तु की सुरक्षित सीट जो कि 2012 में सुरक्षित थी वो 2017 में सुरक्षित नहीं रही और भाजपा के श्याम घनीराही को अच्छी खासी जीत मिली और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। अब 2022 के चुनाव में इसी विधानसभा सीट पर सपा और भाजपा की टक्कर साफ दिखाई दे रही है। अगर बात करें सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधानसभा की तो वहां कुल मत 3,33,000 के आसपास है। शोहरतगढ़ विधानसभा पर सबसे ज्यादा मुसलमान वोट है, यहां मुस्लिम मत लगभग 8,98,000 के आसपास है और ब्राह्मण मत लगभग 49,000 के आसपास है, कुर्मी मत लगभग 42,000 के आसपास है। शोहरतगढ़ विधानसभा पर 2012 में समाजवादी पार्टी का कब्जा था। शोहरतगढ़ विधानसभा 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लाल मुनि सिंह को 96,000 मत से जीत हासिल हुई थी। वहीं बसपा के प्रत्याशी मुमताज अहमद को 86,000 मत मिले थे। अगर शोहरतगढ़ विधानसभा 2017 में बात करें तो बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल ऐसे प्रत्याशी चौधरी अमर सिंह को 1,12,000 मत से अच्छी जीत हासिल हुई। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जमील सिद्दीकी को 98,000 मत मिले और दूसरे नंबर पर रहे। और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और बसपा के बीच इस सीट पर टक्कर सीधे दिखाई देती है। और अब बात करते हैं सिद्धार्थनगर जिले के बांसी विधानसभा की तो यहां पर कुल मत 3,56,000 के आसपास है। बांसी विधानसभा पर सबसे अधिक ब्राह्मण वोट है, बांसी में ब्राह्मण वोट लगभग 74,000 के आसपास, दलित वोट 60,000, मुसलमान वोट 53,000 के आसपास है। अगर बांसी विधानसभा के 2012 चुनाव की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी का प्रत्याशी राजा जय प्रताप सिंह को 1,08,000 मत से अच्छी जीत हासिल हुई थी। वहीं बसपा से प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी को 96,000 मत मिले और वो दूसरे नंबर पर रहे। अगर 2017 में बांसी की तरफ देखा जाए तो बीजेपी से प्रत्याशी राजा जय प्रताप सिंह को 98,000 मत मिले और उन्हें जीत मिली थी और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी लालजी यादव को 83,000 मत मिले, दूसरे नंबर पर रहे। वहीं राजा जय प्रताप सिंह को प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर किसी भी पार्टी का पलड़ा अभी भारी नहीं दिख रहा है। क्षेत्रीय समीकरण या जातीय वोटरों की बात करें तो राजा जय प्रताप सिंह 6 बार से विधायक हैं, लेकिन इस बार ये सीट किसके खाते में जाएगी ये कहना काफी मुश्किल होने वाला है। अब बात करते हैं सिद्धार्थनगर की वीवीआईपी सीट इटवा विधानसभा की तो यहां पर कुल मत 3,11,000 के आसपास है। इटवा विधानसभा में सर्वाधिक मुसलमान वोट हैं, इटवा विधानसभा पर मुस्लिम वोट लगभग 90,000 के आसपास हैं, पिछड़ा वोट लगभग
84,000 के आसपास, ब्राह्मण वोट लगभग 53,000 के आसपास है। अगर बात करें इटवा विधानसभा चुनाव की समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी माता प्रसाद पांडे की, तो उनको 98,000 मत के साथ जीत हासिल हुई थी। वहीं बसपा के प्रत्याशी सुबोध यादव को 82,000 के आसपास मत मिले और वो दूसरे नंबर पर रहे। अगर इटवा विधानसभा 2017 चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर सतीश द्विवेदी को 93,000 मत मिले और उनकी जीत हुई। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी अरशद खुर्शीद को लगभग 76,000 मत मिले और वो दूसरे नंबर पर रहे। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इस बार समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है और चुनाव का मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच दिख रहा है। इटवा विधानसभा के लोग विधानसभा स्पीकर को क्षेत्र की कमान देंगे या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री को देंगे, देखना ये होगा। अगर बात करें अब सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधानसभा की, तो यहां पर कुल मत 3,85,000 के आसपास है। डुमरियागंज विधानसभा पर सबसे ज्यादा मुसलमान वोट हैं। यहां मुस्लिम मत लगभग 1,19,000 के आसपास है, पिछड़ा मत लगभग 1,11,000 के आसपास है और दलित वोट लगभग 61,000 के आसपास। डुमरियागंज विधानसभा पर 2012 में पीस पार्टी का कब्जा था। डुमरियागंज विधानसभा 2012 के चुनाव में पीस पार्टी प्रत्याशी मालिक कमाल यूसुफ को 94,000 से जीत हासिल हुई थी। वहीं बसपा के प्रत्याशी सैयदा खातून को 86,000 मत मिले थे। अगर डुमरियागंज विधानसभा 2017 की बात करें तो बीजेपी के सहयोगी दल युवा से प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह को 1,12,000 मत से जीत मिली थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सैयदा खातून को 1,11,000 के आसपास मत मिला और दूसरे नंबर पर वो रही। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और बसपा के बीच टक्कर साफ दिखती है। और अगर बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो जाहिर है कि इस सीट पर समीकरण बदल भी सकता है। अब बात करते हैं सिद्धार्थनगर के सदर कपिलवस्तु विधानसभा सीट की। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की ही टक्कर अच्छी रहेगी। अगर समाजवादी पार्टी इस बार सदर पर कोई नया चेहरा लाती है तो बीजेपी एक बार फिर चुनाव जीत सकती है। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ को अगर 2017 के बाद से देखा जाए तो बीजेपी इतनी सक्रिय नहीं है और इसका फायदा कहीं ना कहीं बसपा को जा सकता है। वहीं सिद्धार्थनगर जिले के विधानसभा बांसी की बात करें तो बीजेपी और समाजवादी की अच्छी टक्कर रहने वाली है। सिद्धार्थनगर की विधानसभा इटवा की अगर बात करें तो यहां बीजेपी और समाजवादी और बसपा का अच्छा वर्चस्व है। मिला जुला कर 2022 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसके लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। 2022 में किस सीट पर किस पार्टी का कब्जा होगा ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन जो समीकरण हमने आपको बताया है, जाहिर है इससे ज्यादा हटकर तस्वीरें नहीं बदलने वाली हैं। जो दूसरे नंबर पर था वो पहले पर आ सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।